संगठन पार्टी को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में राजनीति हलचल हुआ, किस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ लिया गया, हमारे सीट पे कब्जा कर लिया गया, किस तरीके से हमें सरकार से बाहर कर दिया, वो सरकार जो हमने बनाया और एक गरीब का पिछड़ा समाज का हक अधिकार की आवाज़ को लेकर हम लोग पटना तक पहुंच रहे थे, उनके हक अधिकार की बात कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो समाज 75 साल से गुलाम है, इसी समाज को 75 हमेशा गुलाम बना के रखे, इसलिए उनका सोच था कि पार्टी विलय कर ले, उनके इशारा पे चले। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और मजबूती से संघर्ष करेंगे, बदलाव लाएंगे, बिहार के हक अधिकार की बात करेंगे, बिहार के युवा की रोजगार की बात करेंगे, हर समस्या को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और ऐसे लोगों को जो हम लोग बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे, भगाने का काम करेंगे, जो लोग दिल्ली में जिनकी पावर हो, दिल्ली के सरकार को बिहार के अधीन होना चाहिए और बिहार में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा होना चाहिए। जब भी दिल्ली में सरकार बनाने का समय हो तभी बिहार में बिहार के पार्टी से रीजनल पार्टी के अधीन हो। जिस तरीके से साउथ में आप देखते होंगे कि वहाँ पे कोई नेशनल पार्टी का वजूद नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा, उसी तरीके से बिहार में भी हो, चाहे जिसका भी दबदबा हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा होगा तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे। जब उनकी सरकार बनने का समय आएंगे तो हम अपनी डिमांड रखेंगे। जैसे हमारी लड़ाई है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा समय पर उठाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जब हमारे एक भी सीट बिहार से अगर भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी नहीं जीतता है तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों के समर्थन से दिल्ली में सरकार चलेगा और हमारे लोगों की बात को मानेंगे। तो हम लोगों का मुहिम यही होगा कि हम लोग बिहार में मजबूत इतना हो जाए कि हमारा वोट आपस में बिखराव ना हो और हम लोग सब पार्टी मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़े, जो खास करके नेशनल पार्टी जो है जो दिल्ली में बैठकर पूरे भारत पे राज करता है और हर पार्टी को खरीदने का तोड़ने का ये षड्यंत्र रचता है, ऐसे पार्टी सबको हम लोग आने वाले समय में जवाब देंगे। पटना में उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से गेम प्लान किया है, क्या लग रहा है उस गेम के पीछे क्या कुछ हो सकता है? नहीं देखिए, ये सब बात हवा में है, ये सब जमीन पर उतरे उसके बाद इस पे चर्चा करना है। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इस पे जब जमीन उतरेगा तो उस पर बात किया जाएगा। रहा कि पीके प्रशांत किशोर जी बिहार में वो चाहते हैं कि बिहार का भविष्य बेहतर हो, यहाँ के रोजगार बेहतर मिले युवा को, और यहाँ पे जो हजारों प्रकार के जो समस्या है, खास करके स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये सब बेहतर हो, तो इसके लिए मुझे उनको शुभकामना देता हूँ कि बिहारी है, बिहार का बेटा है और वो अगर ये बात सोच रहा है तो अच्छा बात है, ऐसा हर एक बिहारी को सोचना चाहिए। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, वो जो भी निर्णय लेंगे और जनता को युवा को एक और विकल्प मिलेगा। अगर सहनी जी, अभी अभी आप यहाँ आए हैं सिवान में और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गांव बलिया गांव में अभी एक व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पे इसमें सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, घटना ना हो, लोग में जागरूक हो, छोटा छोटा बात को लेके एक दूसरे लोगों को हत्या ना कर दे, ये सब चीज पे और कानून व्यवस्था मजबूत हो। यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार नेता नहीं चला रहे, वो ब्यूरोक्रेट चला रहे, और इसके लिए यहाँ पे अभी ऐसा हो चुका है कि एक मंत्री का बात एक बोलते ना चपरासी नहीं सुनते हैं, एक दरोगा एसपी का बात नहीं सुनते, तो इस तरीके से व्यवस्था हो गया। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना चाहिए और इस चीज को ठीक करना चाहिए। हम लोग निश्चित तौर पे ये मानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और इस पे सरकार को काम सर क्या माना जाए कि सहनी जी को आरजेडी बीजेपी सूट नहीं कर पाई या फिर उन दोनों पार्टियों को आप नहीं सूट कर पाए? तो देखिए, हम गरीब समाज से आते हैं जी और लोग का सोच होता है कि गुलाम बना के रखना, और हम गुलाम बनना नहीं चाहते। हमारे पूर्वज बहुत सालों तक इस राज्य में देश में लोगों के पीछे आजाद तो देश हो गया लेकिन हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा था। हमने पहली बार अपने लोगों को पैरों से हाथों से जंजीर तोड़ने का काम किया, उनको बताया कि तुम्हारे पास इतना शक्ति है कि तुम अपनी सरकार बना सकते हो, और वो हमने किया। हमने 18 में पार्टी बना और 20 में हमारे पास वो शक्ति था कि एक तरफ 74 विधायक जिसके पास था उससे कम हमारे पास नहीं था, 4 विधायक हमारे पास था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ये ताकत हमने उन लोगों को दिखाया और आज समाज मजबूती से जागरूक हो चुका है और अभी किसी के पीछे गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है, मजबूत है और अपने लोगों को जागरूक करने का कारण रहा सर कि आपके 4 विधायक जो है कि बीजेपी में मिल गए, यही कारण है ना कि लोग गुलाम बनाना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था कि हम जिंदाबाद।